मेघा को डराने वाले, क्योंकि वो भूत से बहुत ज्यादा बढ़िया से इंच टेप से नाप ये सब नहीं हजार सन्चय आशा करते हजार सन्चय प्राची के केक खत्म भ गेलै और चक्कू चाट रहल। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग चैनल। और अभी बज रहे 3:30 शाम के और शाम में ये ब्लॉग स्टार्ट है। ये सो रही थी और हम भी कुछ देर सोए, फिर से एडिटिंग वेडिटिंग वही सब चल रहा था। लाइफ इतना ही तक बस सीमित रह गया है मेरा। और आज है हैप्पी वैलेंटाइन डे। सबसे चुतियाप्पा डे यही होता है आई थिंक। सॉरी यार, बुरा मत मानना कुछ। निब्बी भी मेरी ब्लॉग को देखते हैं और उनको पूरा दिल तक बात पहुंचता है, उनको दुख होता है। तो सॉरी यार, दिल से सॉरी, हम मजाक कर रहे हैं गाइस, सीरियस मत ले। और दीदी दीदी आ जाओ यहाँ पे, धूप में आना भी जरूरी हो जाता है। और पीछे से दो देख रहा है और नहाते वहाते आने तो गर्मी बहुत ज़्यादा मात्रा में लग रहा है अभी। और अभी हम लोग क्या करें, कुछ नहीं, छत पे बस बैठे हैं। और आज तो बहुत सारे लोग गए होंगे डेटिंग सेटिंग करने के लिए। वैसे पता है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा एज की हो गई हूँ, कम से कम ना ही कुछ एज होगा तो मेरा 80-85 के लगभग होगा। बट हम आज तक नहीं समझ पाए चौदह जनवरी को करता क्या है क्या। हाँ, खाना पीना खाता होगा साथ में, उतना अच्छे से डेकोरेट हुआ है, लगता है खाना खाता है, केक काटता है और क्या कौन सी करता है पता नहीं यार। हमारा तो कनी कनी आइडिया लग तुमको जो आइडिया लग रहा है ना, सब कुछ नहीं होता, ठीक होता है। चलो नहीं समझोगी, और भूख भी बच्ची हो, और भूख भी लगा है। अच्छा, तभी दिखाओ ना। हाँ दिखाते हैं, छोटा सा बाबू हमारा, बाबू बड़ा हो रहा है। इधर देखो बाबू, बाबू को दिखाओ ना, देखो देखो देखो, इधर देखो, इधर इधर इधर। और ये रहा हमारा डुगू, पूरे हॉस्टल की लड़की को दीदी दीदी बोलता है, लेकिन हम कौन है डुगू डुगू, हम कौन है, कौन है बोल दो, बोल दो, डॉन का है, डॉन बोलो ना, कौन है रे, बोलो करता डॉन का है, डॉन कौन है रे, डॉन तो नहीं डरते, नहीं ना डरते डुगू। और ये अभी क्या सोच रहा होगा कि हमको कहाँ पे जाके रख दिया। कहाँ पे रख ले रे। आ कर रहा है, थोड़ा हंसो हंसता है अभी, नहीं हंस रहा है, चिंता में। वो कहाँ पे रख दिया, तकलीफ में है कि दुनिया में काहे ला गए। हाय कर रहा है, हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस, हाथ हिला रहा है, देखो ना। जा रहे नीचे और अभी ना किचन का काम चल रहा है, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। हमारे किचन भी फेर गए, सीटी लग चुका है किचन में, इतना सारा आदमी, देखो कौन कौन है किचन में। और कहाँ पे खाना बना है आपको दिखाना है, दिखा है, चलो दिखा दे बाबर, कितना कचरा लगा है बीच में खाना। गाइस यहाँ पे खाना बन रहा है हम लोग का, देख सकते हैं। पूरा पेंट होगा, खाली किचन होगा, पेंट खाली किचन होगा, इधर तो करवाई है ये। बर्बाद कर देगी अंडिया। इधर देख सकते हो गाइस, किचन पूरा पेंट किया जाएगा। किचन भी उतना ज़्यादा खराब नहीं लग रहा, अच्छे लग रहा है। गेट वेट थोड़ा करने की ज़रूरत है, वही सब मिलाया जा रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। मेरे हॉस्टल में सारी लड़कियाँ चली गई गाइस वैलेंटाइन डे मनाने के लिए। एक दो को है जो है ना, वो भी बाल बाल धो के अपना सो के उठी है, अब जाएगी शाम। जो नहीं गई एकदम सो रही है, हम लोग की तरह सो रही है, उठ रही है, सो रही है। आज सोच रहे हैं कि वीडियो शूट करने जाए, पर मन नहीं कर रहा, आज कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा, फालतू में जोरा को देखेंगे खून खोलेगा। जलन होगा, जलन के मारे क्या हमको कमेंट बॉक्स में, हमको स्पेशली बोला जाता है आपके पास नहीं है तो आपको इतना जलन क्यों होता है। होता है रचना को, थोड़ा बहुत तो होता है, दुख तो होगा ही ना गाइस। माथे पे क्वीन लिखवा के चलेंगे, हम खुद को ये टैग दे रहे हैं। थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, रूम की हालत कुछ सही नहीं लग रही है, देख सकते हो गाइस यहाँ पे। इधर 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 बीमार। गाइस आप देख सकते हो केक काटा जा रहा है,
और हमारे पास केक नहीं था, हम लोग ऐसे काट। अच्छा किसी बात ना, हैप्पी वैलेंटाइन डे। हां ये बाजी ने कट 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 साग ही साग छे वो दे दो किचन है दबोई का स्ट्रॉबेरी देती हो ना कितनी गंदी हो ये चॉकलेट वाला चीज प्राची आ तो दिल तोड़ ल कौन दे दी हां दिल तोड़ दी मैं तोड़ दल को ना दिल के हल ला लो आप कहे के हल ला लो इसको ये वाला नहीं दी ठीक है ये जो डंडा निकला है अरे अब इतना नाप के बैठ के स्केलिंग थोड़ी ना हो रहा है काटो ना जैसे चल बढ़िया से इंच टेप से नाप ये सब नहीं प्राची के केक खत्म हो गए और चक्कू चाट रहा है मेरे को चॉकलेट वाला केक नहीं दे ले रखना सब खा दे नहीं तुम खा नहीं ऊ नहीं दी ना उसने ना दो डाल छियो दगज कर ले कनी अंगड़ी में लागल छ ले ले प्राची तोड़ा लिए छोड़ने चुतरा मैं नहीं थोड़े दोस्त कहे छी हां चल 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 ई हो छोर ना ना छोड़ दे हमर बहन को बहन के छोड़ प्राची है बहुत क्यूट लग रहल छे हन बाल बनल के अच्छा कोनो बात कर प्राची को तो मत भी भाई बोली गाय नहीं बोली गाय बोली बोल रही गाय को गाय सुनी है नहीं गाय तो बोली ना पहले गाय आ जो बाद में आया गाइस और अभी हम लोग कुछ करने वाले हैं प्राची प्लान बताइए हम लोग इधर ना एक एक खिड़की है उसमें से ना कुछ हाँ कुछ ऐसा दिखता है बहुत डरावना टाइप का तो हम लोग मेघा को डराने वाले क्योंकि वो भूत से बहुत ज्यादा डरती है इस वजह से और क्या दिखता है चलिए दिखाते हैं हम आ चुके हैं यहाँ पे और ये दो आँख देख सकते हो आंख टाइप का ये ना दूर से ना एकदम दिखाते हैं आपको दूर से ना एकदम आंख टाइप का दिखता है ठीक है लेकिन बहुत डरावना लेकिन ये कुछ है नहीं ये बस अंदर से ना कुछ तार वार सेट किया हुआ है यही बस दीदी को भी दिखा रात का मजा रात रानी है ये लोग आ चुके हैं गाइस दीदी आंख ना रेड रेड दिख रहा है कुत्ता की तरह आपका नहीं दिख रहा है बुढ़ा वाला कुत्ता ये जवान वाला कुत्ता बुढ़ा वाला कुत्ता वाला दिखता है किसी किसी का फोटो हाँ इसका भी क्वालिटी होता है दिखा था तो अपन नहीं इसका नहीं दिख रहा है अंजलि का भी अंजलि का दिख रहा है छोटा इसका पूरा नागिन की तरह हो रहा है दीदी नागिन पता है कितना जोर से हम डरे थे इसको देख के फर्स्ट टाइम हो गया गाइस हो गया प्लान सक्सेसफुल यही दिखाने के लिए तुमको बोल रहे थे ये हमेशा करती है इसका आदत है यूल आदत है इसका हाँ पूरा तो पता कोई नहीं था तुम भी नहीं थी उस टाइम वहाँ अकेले रह रहे थे जब कुछ दिन पहले तब प्राची हमको डराई थी हाँ पूरा खतरनाक वाला हाँ बहुत प्लान बता दी सारा 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 प्लान बता रही हाँ अभी तुम्हारे मन में मर्चल एक दो घंटा तक रहेगा मेघा दीदी डराएंगे पर बाद में फिर उतर जाता है हाँ ये हो जाता है गाइस ये हमारे हॉस्टल की अच्छी अच्छी लड़की है क्यूट सी नेपाली में हेलो बोलो तो हाँ नमस्ते अरे तो है कुछ कुछ बोलिए नेपाली में बोलो कुछ और कैसे बोलिए आप लोग कैसे कस्तो हुनुहुन्छ हजुरहरु सन्चै हुनुहुन्छ नि फिर से कस्तो हुनुहुन्छ हजुरहरु सन्चै हुनुहुन्छ नि आशा गर्दै छु हजुरहरु सन्चै हुनुहुन्छ हम समझ गए कैसे हैं आप लोग हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे हो हाँ। आशा वाला वर्ड समझ
आसे वाला सितारा को बहुत दिमाग लगा रही है, सब समझ रहे तुम्हारा। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा केक से कुछ भी नहीं हुआ तो अब अभी पिज्जा किया जा रहा है। उठ के जी में बोला नहीं जाता जीरा का फोरन, अच्छा उठ के मुंह में जीरा का फोरन चला गया तो कुछ नहीं हुआ, फोरन के समान वो हो गया। इस वजह से प्राची को और भी भूख लगा था, प्राची सोच रही थी दोपहर में भी खाना नहीं खाए, खाना बनाने गए। प्राची तीन चार दिन से भूखले है इस वजह से थोड़ा सा। रुकना रुकना घुसाइए देखिए आपकी रचना क्वीन कितना अच्छा। एक बार शकल दिखाओ, शकल दिखाओ, देख लो गाइस। और ये इतना सारा बर्तन ये सब अकेले धोएगी। ओहो इतना तैयार होके सुंदर बन के तो फोटो खींच रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे स्टोरी। ओहो बेचारी, ये इसका वैलेंटाइन है क्योंकि ये आज पहली बार ऐसा काम कर रही है। यहाँ पे पिज्जा आ चुका है और हम लोग अभी खाने वाले हैं। बहुत मजा आ रहा है आज के दिन, क्या लड़का के साथ उतना मजा नहीं आएगा जितना हम लोग ग्रुप में मजा कर रहे हैं ना। हाँ बहुत मजा आ रहा है, एकदम मस्ती कर रहे हैं। ये होना भी चाहिए। यहाँ पे लूडो खेला जाएगा और पिज्जा खाया जाएगा। हाँ क्योंकि पांच लोग हैं, मजा आने वाला है बहुत। हाँ तो गाइस किचन पूरा पेंट हो चुका है, दिखाते हैं एक सेकंड, बहुत सुंदर लग रहा है किचन अभी। डना कितना प्यारा लग रहा है, कितना साफ सुथरा लग रहा है अब, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका था और आंटी ने पेंट करवा दिया, अब अच्छा लग रहा है। लोग आ चुके हैं अभी वीडियो शूट करने के लिए बोरिंग रोड, एसके पुरी वाला जो रास्ता जाता है ना उसमें, तो ब्लॉग में बने रहिए और भी कुछ कुछ देखने को दिखाते हैं। रेस्टो कुछ इस तरीके का है, पूरा दिल लगा हुआ है पूरे में, पूरे रेस्टो में। अभी नया ही खुला है, परसों ही ओपनिंग हुआ है इसका, देख सकते हो। तो गाइस अभी देखते हैं कुछ आता है तो आता है, नहीं तो यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि यहाँ का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई है। और हम लोग बोले हैं जो इनके ऑनर है उनको कम करने के लिए, क्योंकि इतना में पब्लिक थोड़ी ना आएगा और इनको समझ नहीं है क्योंकि नया कैफ़े ओपन हुआ है ना इस वजह से। तो हम लोग अभी कुछ खाएंगे और निकलेंगे यहाँ से दूसरे जगह। गाइस हम लोग का यहाँ पे आ चुका है बेबी कॉर्न और ये खा खा के भी मन उब सा गया है। रचना को नहीं, और बहुत तीखा है गाइस, बहुत तीखा, हम तो खाए नहीं है ये। कान में से धुआं निकले छे गाइस। पूरा धुआं निकल रहा है। हाँ तो गाइस हम लोग दूसरे कैफे में आ चुके हैं रिव्यू करने के लिए और यहाँ पे हम लोग पीने वाले हैं। तो गाइस ये रही रचो दाए, और रचना कैसा लगा टेस्ट वाइज बताओ? बहुत अमेजिंग। और हम भी पीते हैं और जल्दी से जाते हैं घर, लेट हो रहा है, 7:30 बज गया है। मिलते हैं क्या इस ब्लॉग पे, ये पे एंड कर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी ब्लॉग हो चुकी है।